नेशनल स्टेडियम कराची PSL 5 की इफ्तिताही तकरीब का मेज़बान होगा। बिल्कुल जी, इफ्तिताही तकरीब का मेज़बान होगा और इस ग्राउंड में रंगारंग तकरीब होगी। रंगारंग तकरीब में बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, लाइव परफॉर्मेंस देंगे, डांस परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन ये सब स्टार्टर डिश के तौर पे होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उससे पहले स्टार्टर डिश आ जाती है। तो ये गाना बजाना ये सब स्टार्टर है। असल चीज़ होगी वो होगा क्रिकेट एक्शन। PSL 5 का पूरा एक्शन पाकिस्तान में होगा और इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगी। तो बड़ा मेला सजना है तो बड़े मेले के लिए तैयारी भी तो बड़ी करनी है। PCB ने ऐसा ही कर रहा है। आप ग्राउंड देख रहे होंगे, ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें जो ग्राउंड की शेप निकल रही है टू कलर्स की शेप्स नज़र आ रही है, टू थीम्स भी हम इसे कह सकते हैं, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर, बिल्कुल ऐसा ही जैसे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न होता है। बाकी इंटरनेशनल ग्राउंड्स होते हैं, चाहे लॉर्ड्स को आप देख लें, दीगर जो बड़े ग्राउंड्स हैं जो बड़े फेमस भी हैं और बहुत पसंद भी किए जाते हैं, वैसा ही नेशनल स्टेडियम को बनाने की कोशिश की जा रही है। हेड क्यूरेटर हैं यहाँ पे रियाज, जो पूरे ग्राउंड के भी इंचार्ज हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। और मशीन आपको अगर नज़र आ रही हो, दूर थोड़ी सी है, वो मशीन जो है वो यही काम कर रही है कि यहाँ पे रस्सियाँ लगा दी गई हैं और उन रस्सियों के साथ पैचेस बनाए गए हैं। वो मशीन एक जगह ज़्यादा का चलती है और एक जगह कम उसका जो है वो उसकी रेंज होती है। तो उससे क्या होता है कि ग्रास एक जगह बड़ी रह जाती है और एक जगह ज़्यादा जो है वो छोटी हो जाती है। तो इस वजह से वो टू कलर की शेप्स में ये स्टेडियम नज़र आ जाता है। यकीन तौर पर ये लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, इसको हम पैच भी कह सकते हैं कि एक लाइट पैच है, एक डार्क पैच है, और पूरे के पूरी जो है वो इस तरीके से ग्राउंड को खूबसूरत बना रही है। तो हम ये अमूमन जो यूरोप के ग्राउंड्स होते थे या ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स होते थे, जनूबी अफ्रीका के ग्राउंड्स होते थे, वहाँ देखते थे, लेकिन अब हमारे ग्राउंड्स में भी ये काम शुरू हो गया है। आज पहले मरहले में अगर सीधी लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं तो कोई भाई नहीं कि आने वाले मैचेस में ये राउंड सर्कल में हों या दीगर जो शेप्स होती हैं कि ग्रास की खूबसूरत करने की, जैसे न्यूजीलैंड में भी होती हैं, वैसे यहाँ पर भी नज़र आए। तो अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है, हर टाइम यहाँ पर काम हो रहा है और काम का मकसद यही है कि ग्राउंड को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। सिर्फ ग्राउंड की खूबसूरती पे ही काम नहीं हो रहा, नेशनल स्टेडियम की खूबसूरती पे भी काम हो रहा है। ये VIP गैलरी है, यहाँ पर प्रेसिडेंट आके बैठते हैं, दीगर लोग आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो PCB के जो मेहमान होते हैं वो यहाँ आकर बैठते हैं। तो पहले यहाँ पे शादी ब्याह की कुर्सियाँ लगा करती थी, यहाँ पे सोफे लगा करते थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये कम्फर्ट सीट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। इन सीट्स को इंस्टॉल करने का मकसद यही है कि जब कोई इन सीट्स पे बैठ के 3 घंटे का मैच इंजॉय करे तो उसको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो खूबसूरत जगह है, कुर्सियाँ लगने की वजह से अब यहाँ पे गुंजाइश भी जो है वो ज़्यादा हो गई है। नेशनल स्टेडियम कराची में ग्राउंड को लश ग्रीन रखने के लिए ग्रास को यहाँ पे शावर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। इस टाइम क्योंकि ग्रास की कटिंग का काम जारी है तो ग्रास की कटिंग की वजह से शावर्स काम नहीं कर रहे, लेकिन अमला ज़रूर काम कर रहा है। अगर मैं आपको करीब से दिखवा सकूं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से अमला जो है यहाँ पर काम कर रहा है। यकीनी तौर पर ये आप देख रहे होंगे, ये शावर लेके जा रहा है पाइप इसके साथ, मुंसलिक आपको नज़र आ रहा होगा, ये शावर को वहाँ रखेगा, फिर पानी से कनेक्ट करेगा और इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका काम शुरू हो जाएगा ग्रास को पानी देने का, जिससे ग्रास जो है खूबसूरत हो जाएगी। वो यकीनी तौर पे आपको स्टाफ और नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये स्टाफ जो है वो ग्रास जो कट रही है, मशीन काटती है ग्रास को, लेकर आ जाती है, वहाँ पर चली जाती है। और अब ये आपको नज़र आ रही होगी वो मशीन, मैं इसको और जूम करके कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे एंड पे है, लेकिन करीब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ये वो मशीन है जो ग्रास की कटिंग का काम कर रही है। दो शेप्स में ये कटिंग हो रही है, एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक तरफ लाइट कट कर रही है और एक तरफ जो है वो ग्रास को डार्क पहने दे रही है, जिस वजह से ग्राउंड का ये खूबसूरत जो है वो आपको स्टाइल नज़र आ रहा होगा। ये लाइन्स जो ग्राउंड की ग्रास पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जब लाइव मैच होगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। इसी तरीके से आप देखें ग्राउंड के दूसरी तरफ से भी ये स्टाफ जो है वो पानी के लिए पाइप्स को बिछा रहा है शावर्स के साथ, और थोड़ी देर में जब पानी कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, पानी जो है वो नल खोल दिए जाएंगे, वॉल खोल दिए जाएंगे, तो उसके बाद जो है ग्राउंड को पानी लगना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना ग्राउंड को हज़ारों गैलन पानी दिया जाता है, जिसकी वजह यही होती है कि ग्राउंड की ग्रास जो है वो खूबसूरत नज़र आए। ग्राउंड अच्छी होगी, आउटफील्ड अच्छी होगी, तो क्रिकेट
भी अच्छी देखने को मिलेगी, चौके छक्कों की यहाँ पे बरसात होगी और इनको यकीनी बनाने के लिए ये सारा काम जो है वो जारी रहता है। आपको नेशनल स्टेडियम से मैं अपडेट कर रहा हूँ जहाँ पे ग्राउंड की खूबसूरती का काम जारी है। आपको बताता चलूँ कि ये मेरे अकब में आपको एक LCD नज़र आ रही होगी, ये बड़ी सी स्क्रीन जो डिजिटल स्क्रीन नस्ब है, इसको भी तब्दीली का काम जो है वो शुरू होना है, लेकिन शायद इस PSL में ये मुमकिन ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये पीछे शावर्स थोड़ी देर में ऑन हो जाएंगे, जब ऑन हो जाएंगे तो ये मनाजिर में मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये कुर्सियाँ दिखाता हूँ जो यहाँ पीछे पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर आई हैं क्योंकि और भी अभी कुर्सियाँ इंस्टॉल होनी है, बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारी होनी हैं। अगर हम बात करें इंक्लोजर्स की, जिन इंक्लोजर्स में बैठ के आपने मैच देखना है तो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। VIP गैलरी से वो आपको दिखाऊंगा, किसी दिन अंदर भी लेके जाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कहाँ पे क्या है, लेकिन आपको फ़िलहाल मैं लेके चलता हूँ और ये इंक्लोजर्स जो है वो अंदर से दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जावेद मियांदाद इंक्लोजर है, बिल्कुल स्टेडियम का VIP इंक्लोजर कहलाता है। आप देखें ऊपर से देखने में कितना खूबसूरत नज़र आता है, डिसिप्लिन नज़र आ रहा है कुर्सियों का, एक ही रो में कुर्सियाँ लगी हुई हैं और बस इंतज़ार है, मुंतजर रहिए, आपका इंतज़ार कर रही है कि कब आप आएंगे इन कुर्सियों पे बैठेंगे और यहाँ पे लहू को गरमाएंगे, जोश बढ़ाएंगे, अपने खिलाड़ियों का, पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान में PSL आ गई है, मुकम्मल PSL आ गई है। तो जब मुकम्मल PSL आ गई है तो मुकम्मल इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ जाएगी। अभी श्रीलंका यहाँ खेल कर गई, अप्रैल में यहाँ पे बांग्लादेश टेस्ट आके खेलेगी, वो दिन दूर नहीं जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये टीमें भी आएंगी और हमारे इन ग्राउंडों को आबाद करेंगी, खेल कर दिखाएंगी और दुनिया को बताएंगी कि पाकिस्तान खेलों के लिए ना सिर्फ महफूज मुल्क है बल्कि पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पे आए हम देख रहे हैं कि ग्राउंड की खूबसूरती का काम, ग्राउंड की तज़ईन और आराइश का काम किस तेज़ी से जारी है। ये 11 विकेट का स्क्वायर है, ये आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये 11 विकेट का स्क्वायर है, ये मुकम्मल 11 विकेट्स हैं जो इस टाइम ग्रास ने ढाँप रखी हैं। इसलिए ढाँप रखी हैं क्योंकि इनके ऊपर से ग्रास अभी काटी नहीं गई। ग्रास ना काटने की वजह यही है कि जब मैचेस करीब आएंगे, यानी कि 20 तारीख का मेला जब करीब आएगा तो 15 या 16 तारीख से यहाँ पे इस ग्रास को साफ कर दिया जाएगा, फिर विकेट की तैयारी जो है वो की जाएगी। और अभी तक हमारी इतलात जो है वो ये है कि बैटिंग पैराडाइज विकेट जो है वो बनाई जाएगी। जब बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाई जाएगी तो वो इसीलिए बनाई जाएगी ताकि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, चौकों छक्कों वाली क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि T20 क्रिकेट की खूबसूरती जो है वो लो स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, वो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। और जिस तरीके से आप देखें पड़ोसियों की लीग हो या बिग बैश हो, बाकी चीज़ें हो, तो बड़े हाई स्कोरिंग जो गेम्स होते हैं उसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक वजह ये भी होती है चौके छक्के लग रहे थे, दूसरा ये कि वो आखिरी ओवर तक जो है वो क्रिकेट जाती है। पाकिस्तान की क्रिकेट में भी ऐसा है लेकिन लो स्कोरिंग गेम्स की वजह से थोड़ा सा शायकीन को वो मज़ा नहीं देखने को मिलता जो चौकों छक्कों में देखने को मिलता है। आप जब स्टेडियम में आते होंगे तो जैसे ही बाउंड्री लगती होगी शोर मचाते होंगे, विकेट्स तो 10 गिरेंगी गेम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 20 ओवर्स में जो है वो 30-35 चौके छक्के लग सकते हैं, 40 भी लग सकते हैं। तो जब 120 गेंदों पे 35-40 बाउंड्रीज लग जाएंगी तो आप खुद सोचें कि स्टेडियम में चीख चीख के शोर मचाने वालों का क्या हाल होगा, जब वो मैच देख के घर वापस जाएंगे गले बैठ चुके होंगे उनके। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट का जब मेला सजे तो तड़का ऐसा लगे कि देखने वाले देखते रह जाएँ, हर कोई इस बात को जो है वो सेलिब्रेट भी करे और एक पैगाम दे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा मुल्क है। वो लोग जो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके मुंह पे ये एक थप्पड़ होगा, ज़ोरदार करारा थप्पड़ होगा। वो करारा थप्पड़ ये होगा कि पाकिस्तान को कभी भी गैर महफूज ना कहना, पाकिस्तान महफूज मुल्क है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो क्रिकेट से प्यार करता है और हम वो कौम हैं जो क्रिकेट के मतवाले हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं। और ग्राउंड की खूबसूरती पे मैं आपको बता ही रहा हूँ, अपडेट कर ही रहा हूँ। ये वो एरिया है, इसके बारे में बताते चलूँ कि यहाँ पे लाइव कैमरे इंस्टॉल्स होते हैं, VIP गैलरी का ये एरिया है जहाँ पे लाइव कैमरे इंस्टॉल्स होते हैं और वो कैमरे फिर आपको एक्शन जो है वो दिखा रहे होते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है, रूफ्स जो हैं इसकी खूबसूरत हो चुकी हैं, पहले
जो तीसरा एडिशन था गालिबन जब उसके मैचेस हुए थे तो रूफ जो है वो कवर्ड नहीं थी, तो शायद थोड़ा मामला फीका था, लेकिन पिछला एडिशन जो हुआ वो भी रूफ्स के अंदर हुआ। और अब तो पूरा का पूरा एडिशन जब यहाँ पर होगा, यहाँ से मुराद पाकिस्तान में, कराची में तो मैचेस कम हैं, तो यकीनी तौर पर वो लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा और लोग उसकी जानिब जो है वो मुतवज्जो भी होंगे।